Hello students, this is Amit Tiwari, your computer science teacher, and I am back with yet another important video of Python. And in today's video I will discuss the leftover part of the different data types which we use in Python. So let us start. And in this video I will discuss about tuple, which is a type of sequence. A tuple contains a group of elements which can be of different types. It is similar to list with just a difference that we cannot modify the elements because these are read only, and tuples are represented using parentheses. ठीक है, तो tuple भी एक तरीके का data type है जो कि sequence का एक type है, और इसमें भी जो है डिफरेंट एलिमेंट्स ये होल्ड करता है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स इसमें हम एंटर करते हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं. एज लाइक यहाँ पे 25 न्यूमेरिक है, -26 न्यूमेरिक है, और 20.6 ये फ्लोट है, और हेलो ये स्ट्रिंग है. तो होता तो ये बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस ये है कि हम इसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये रीड ओनली है. ठीक है, इसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, और टपल्स को हम पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, डाटा, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है और इस डाटा में मैंने टपल्स को असाइन किया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, न्यूमेरिक है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, और इन एलिमेंट्स की भी इंडेक्सिंग जो है जैसे हम लिस्ट में करते थे वैसे ही इनकी इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, जीरो से शुरू होता है, जीरो पे मैंने जीरो मेमोरी लोकेशन या जीरो इंडेक्स पे 25 एलिमेंट है जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप है, 1 पे 30 है, 2 पे -26, 3 पे 20.6 एंड 4 पे हेलो है जो कि एक स्ट्रिंग है, और इन इंडेक्स नंबर्स को यूज करके हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, और यहां तक कि हम इसके टाइप को भी पता कर सकते हैं टाइप फंक्शन का यूज करके. तो लेट अस सपोज आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल से डेटा and using assignment operator I assigned the tuple in parenthesis 25 30 -26 20.6 or fine. और अब मुझे प्रिंट करके इनका आउटपुट लेना है, देखना है कि क्या ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या हमें दिखाई देते हैं. डेफिनेटली दिखाई देंगे, हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे. और किसको प्रिंट करना है, डेटा को प्रिंट करना है, एंटर किया. इसके बाद हमें ये पूरा का पूरा टपल लिस्ट दिखाई दे जाएगा, 25 30 -26 20.6 एंड 5. एक बार ध्यान देना आप स्टूडेंट्स, हम इन एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते. जैसे हमने लिस्ट में चेंज किया था, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई पहले से एलिमेंट पड़ा हुआ है, कोई पहला कोई डेटा असाइन है, उस डेटा को हमने चेंज किया था. ठीक है, तो वो काम हम यहां पे नहीं कर सकते. ठीक है, बहरहाल हम इसके टाइप को जरूर पता कर सकते हैं टाइप फंक्शन से, टाइप डेटा. ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि कौन सा टाइप है. ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है जो कि हम पाइथन में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, और इसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, हम ये भी पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट या कौन सा टपल असाइंड है, और इसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं. सपोज हमें ये पता करना है कि
इंडेक्स वन पे कौन सा एलिमेंट रखा है, तो इसके लिए प्रॉम्प्ट के बाद हम लिखेंगे डेटा और यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे वन, फिर प्रिंट कमांड या प्रिंट फंक्शन हम लिखेंगे प्रिंट, और हमें क्या प्रिंट करना है डेटा, और डेटा में क्या प्रिंट करना है, क्या हमें देखना है वन इंडेक्स पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमें क्या दे देगा 30 दे देगा। इस तरीके से हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखे हुए या असाइंड एलिमेंट को भी पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सीक्वेंस का जो लास्ट डेटा टाइप है वो है रेंज, और रेंज रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। लाइक अगर हमें कोई सीक्वेंस लिखना हो नंबर का तो हम कैसे लिखते हैं, यूजुअली 0 to 10, तो 0 to 10 का मतलब कि 0 to 10 जो भी डिजिट्स आते हैं उनको हम लिख लेंगे, और अगर 10 to 20 लिखना है नंबर्स का और उसमें हम क्या सीक्वेंस रखेंगे कि दो कंजक्यूटिव नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस हो या 3 का डिफरेंस हो, तो इस तरीके से जो सीक्वेंसेस आते हैं नंबर्स के उनको अगर हमें आउटपुट में लेना है तो हम रेंज डेटा टाइप का यूज करते हैं, और जो नंबर्स होते हैं रेंज के सीक्वेंस में उन नंबर्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आरजी एक वेरिएबल है और रेंज 5 करके मैंने कीवर्ड का यूज किया है और रेंज में 5 पैरेंथेसिस में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 0 to 4 इट विल गिव दिस सीक्वेंस, फाइन। वैसे ही एक और मैंने जो है एग्जांपल लिया है आरजी मीन्स रेंज इज इक्वल टू रेंज इन पैरेंथेसिस 10 to 20, और 10 टू 20 का जो सीक्वेंस है उसमें क्या स्पेशल है, उसमें ये स्पेशल है कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस हो, यानी कि 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके का सीक्वेंस को भी हम जो है जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेंज, ठीक है। और यहाँ पे रेंज में भी नंबर्स की हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ठीक। और अगर मुझे पता करना हो कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा नंबर असाइंड है वो भी हम देख सकते हैं। सपोज कैसे, हाँ जी 0 इज इक्वल टू, हाँ जी 0 पे क्या है 0 है, ठीक है, और आर जी 1 1 आरजी 2 2, ठीक। ऐसे ही जो दूसरा सीक्वेंस जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, इसमें अगर हमें पता करना हो कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा नंबर आएगा या पूरे के पूरे सीक्वेंस को अगर मैं जनरेट करना हो तो उसके लिए तो हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर लूप के बारे में चूंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है तो इस वजह से मैं उसका यूज यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं एक एक इंडेक्स को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से नंबर्स जो है यहाँ पे हम एज अ आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने आरजीबी करके एक वेरिएबल क्रिएट किया और आरजीबी में रेंज मैंने क्या दे दिया 10 to 20 और 2 का डिफरेंस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, कैसे प्रिंट आरजीबी, आरजीबी में क्या प्रिंट करूंगा मैं 0, और एंटर जैसे प्रेस करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा 0 पे क्या है आपका 10 है, वैसे ही प्रिंट मैं करूंगा आरजीबी और इंडेक्स 1 डाल दिया मैंने, एंटर बटन प्रेस किया मुझे क्या मिल जाएगा 2 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो 10 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, वैसे ही सेकंड इंडेक्स पे भी हम पता कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके आरजीबी, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स दे दिया 2 और मुझे जो है एंटर के बाद क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट इंडेक्स पे जो सीक्वेंस के डिफरेंट नंबर्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और पूरे के पूरे सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे
तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से रेंज में डिफरेंट सीक्वेंस को हम एक साथ जनरेट कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कवर अप द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।